दुनिया में इंसानों को शादी ब्याह करते देख मेरे एक साथी को भी ब्याह करने की इच्छा जागी। मैं पहुंच गया उसके हल्दी समारोह में ये सोचकर कि थोड़ी सी हल्दी घर के लिए भी ले लूंगा। तभी मेरी नजर अपने पुराने साथियों पे पड़ी जो खाना शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और दूल्हे के साथ फोटो खिंचाकर उसे रिझाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। ब्याह के बाद आने वाले तूफान से अनजान ये साथी लगातार मुस्कान बिखेर रहा था और खाने की सुगंध आते ही फोटो सेशन छोड़ के तुरंत खाने पे टूट पड़ा। खाने को पहले न पूछने की वजह से साथियों ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए कि साले जिसके लिए आए वही नहीं पूछा, और उसकी भरी महफिल में बेइज्जती करने की कोशिश की, लेकिन वो बेशरम होकर खाना खाते हुए अपनी ही बेइज्जती पे ठहाके लगाता रहा। गिरोह के सल्लू को अकेले फोटो खिंचाते देख साथियों की एक की भी हिम्मत न पड़ी कि साथ फोटो खिंचा ले, लेकिन उनमें से एक ने गिड़गिड़ा के उसके साथ फोटो खिंचा ही लिया। हल्दी का चूतियापा खत्म होने के बाद सभी पहुंचे होटल, जहां पता चलता है कि होटल सी फेसिंग। गेट खोलते ही समझ गया कि हमारा कट चुका है। इंसान की शकल घोड़े से मिलती हो इसका मतलब ये नहीं कि जहां पाओ वहीं चाबुक चलाने लगू, मुंह से भी बेइज्जती की जा सकती है। रात होते ही सभी तैयार होकर खाने और शादी की ओर बढ़ने लगे। वहां की व्यवस्था और चकाचौंध देखते ही बनती थी। इस चीज की पुष्टि करने के लिए कि हम सही जगह पे आए हैं, वहां पे दुल्हन का नाम पड़ा जिसे हमारे साथी ने शहर स्वीकारा था। बारात निकालने की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी। दोनों जानवरों को एक साथ सजा हुआ देख आंखों में आंसू आ गए। उसके चढ़ते ही लोगों ने ऐसा जश्न मनाया जैसे वो एवरेस्ट चढ़ गया हो। साथियों के भूखे बर्ताव को देखते हुए उसे साफ समझ आ रहा था कि उसने इन्हें बुला के गलती कर दी है। दूल्हे के घोड़े पर चढ़ते ही पब्लिक को पता चल गया कि अब पड़ाव नाचने और कूदने का है, तभी खाना मिलेगा। जैसे तिलचट्टा पलट जाने के बाद सीधे होने के लिए फड़फड़ाता है, वैसे लोग फड़फड़ाने लगे थे। फ्री के खाने की लालसा इतनी ज्यादा थी कि इंसान कुछ भी करने को तैयार था। तभी मैंने देखा वहां जंगल से कुछ जहरीले सांप घुसाए थे। भयभीत होकर दूल्हे को बताना चाहा तो देखा तो वो भी नागों की शक्ति से सम्मोहित हो रहा था। जनरेटर में डीजल कम होते ही तुरंत रिफिल करना पड़ा, जिसके कारण घंटों लगातार मुजरा चलता रहा। पेय पदार्थ की पावर को देखते हुए मुझसे भी रहा न गया, इस्तेमाल करके तुरंत मुजरे में शामिल हो गया। जैसे तैसे ये सब खत्म करके हम अंदर पहुंचे, जहां खाने की उत्तम व्यवस्था की गई थी। क्षण भर की देरी न करते हुए व्यंजनों का लुत्फ उठाने लगे। दोस्तों, दूल्हे दुल्हन को मंडप में जाते हुए आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन मैंने वहां मंडप को दूल्हे दुल्हन की तरफ जाते हुए देखा। सामने देखा तो दूल्हा बिग बॉस जीत चुका था, जश्न मनाया जा रहा था। ठंड के प्रकोप के कारण कोहरा बढ़ता ही जा रहा था। तभी बगल में एक ने बताया कि सिगरेट के भरे हुए डिब्बे में आग लगी है। माला और जयमाल को नजरअंदाज करते हुए हम फिर से अपने खाने पे सेकंड राउंड टूट पड़े और किसी नए व्यंजन की तलाश करने लगे। तभी वहां पे देखा कि हमारा गिरोह पहले से धावा बोल के रखा हुआ था। तभी हमारे एक साथी को किसी मीठे से व्यंजन की तलाश थी। मैंने उसे कुल्फी बताकर करेले की सब्जी की ओर भेज दिया। अगली रात हम सभी लखनऊ दर्शन के लिए निकले। तभी गिरोह में मोमोज नामक व्यंजन खाने का फैसला लिया गया और हम सभी लखनऊ से सैकड़ों किलोमीटर दूर नैनीताल मोमोज खाने के लिए पहुंच चुके थे। तभी उनमें से एक ने बताया कि दुकान का नाम है चूतिए। अंदर जाते ही अक्वामैन के लौंडे को मछलियों से बात करते हुए देखा गया। तभी टेबल पे नजर पड़ी तो मोमोज का सिलेबस चेक हो रहा था। इतनी डीप स्टडी ये जिंदगी में करते तो इनका यूपीएससी क्लियर होता। ऑर्डर करने के बाद वेटर सामान लाके हमारी ही टेबल पे आके मोमोज पकाने लगा। मैंने बोला टेबल पे ही बनाना था तो किचन में बिठा के क्यों नहीं खिलाया। उसने कहा तुम लोगों को बिठा के खिला रहे हैं वही बहुत है।
वेटर की इस हरकत से जितना मैं दुखी था उससे ज़्यादा दो और लोग दुखी थे। मोमोज के नाम पे जहर खा के पेय पदार्थों पे डिपेंड होना पड़ा। जहर खाने के बाद मीठा खाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई और हम सभी पहुंचे थोड़ी दूर पर स्थित नीलकंठ होटल, जहां हम सभी ने बारी बारी से 36 मिठाइयां टेस्ट करी। कुछ भी न पसंद आने की वजह से मजबूरी पे बिना मुंह मीठा किए ही वापस आना पड़ा। हम सभी वहां से अपने घर वापस लौट आए। दोस्तों, ये थे मेरे और हमारे गिरोह के बीते हुए 3 दिन, जिसमें हम सभी ने मिलके प्रॉपर टाइम वेस्ट किया। दोस्तों, ये जो घर आप देख रहे हैं ये हमने एयरबीएनबी से बुक किया था, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लेकिन महसूस करने में काफ़ी भूतिया लग रहा था। जैसे तैसे हमने वहाँ रात बिताई और अगले ही दिन सभी अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए।